दीपावली पर्व की ठीक दूसरी रात जबलपुर शहर गोलियों की गूंज से दहल गया। दरअसल जबलपुर शहर के गुप्ता नगर में बीती रात दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिस दौरान गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं इस दौरान एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये करीब 9:30 बजे की घटना है। गुप्ता नगर में गढ़ा थाना क्षेत्रांतर्गत भवानी कोरी और संतोष कोरी दोनों पड़ोसी हैं, दोनों में आपस में विवाद हो रहा था। इसी दौरान वहाँ पर जो उसका भाई संतोष कोरी का भाई छोटू कोरी वहाँ पर आ गया और उसके आने के बाद फिर विवाद आपस में कहा सुनी जब ज़्यादा होने लगी तो वहीं पर संतोष राजकुमार कोरी है जो भवानी कोरी का चाचा है, राजकुमार कोरी वहाँ पर इन लोगों को आपस में दो अलग अलग करने के लिए बीच बचाव करने के लिए आ गया। तो उसने बीच बचाव के दौरान उसने संतोष कोरी छोटू कोरी को पकड़ा दूर हटाने के लिए। इसी दौरान छोटू कोरी ने उसके पास में कोई फायर आर्म था तो फायर आर्म से राजकुमार कोरी के ऊपर उसने गोली चला दी जिससे उसको चोट आई थी राजकुमार कोरी को, और पता चला है कि वो मेडिकल कॉलेज में उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी के मुताबिक गुप्ता नगर में रहने वाले राजकुमार नामक व्यक्ति के भतीजे भवानी का इलाके के रहने वाले संतोष से विवाद हुआ था, जिस दौरान संतोष के भाई ने बंदूक निकाली। वहीं इस दौरान अचानक गोली चलने से राजकुमार घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हुई है। इस घटना के संबंध में थाना गढ़ा में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग और घायल हुए? इसमें एक भवानी कोरी है जो मृतक का भतीजा है, उसके सिर पर चोट है, डंडे की चोट बताई जा रही है। आरोपी अभी तक कहाँ है? आरोपी की तलाश हम कर रहे हैं। वही मृतक के परिजनों ने आरोपी पक्ष के परिजन को भी लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया, जिसका मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। फिलहाल गढ़ा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।